अतालाब टीवी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आपको सुनाएंगे दुनिया की सबसे बेरहम महिला की कहानी, जिसकी कहानी सुनकर लोग आज भी कांप जाते हैं। हंगरी में 16वीं शताब्दी में एक ऐसी महिला थी जिसे दुनिया में अब तक की सबसे बेरहम महिला माना जाता है। उसने अपनी जवानी बनाए रखने के लिए 600 से अधिक लोगों को मार डाला था और उनका खून पी लिया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार उसे अब तक की सबसे घातक महिला माना जाता है। इस हंगेरियन महिला का नाम काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी था। उसका जन्म जमींदारों के एक अमीर परिवार में हुआ था। वह शानदार जीवन जीती थी। काउंटेस ने खुद को काउंटेस ड्रैकुला उपनाम दिया था। उसने अनजाने किसान लड़कियों को उनके परिवारों से दूर करने के बाद उन्हें कैद किया और फिर उनकी हत्या कर दी। बाथरी केवल हत्या पर ही नहीं रुकी, वह पीड़ितों को प्रताड़ित करने के लिए बेहद क्रूर तरीके का इस्तेमाल करती थी। वह उन लड़कियों के नाखूनों के नीचे पिन लगाती थी, उनके स्तनों, अंगुलियों और जननांगों को काट देती थी और उन्हें ठंड में जमने के लिए छोड़ देती थी। उसने केवल किसान और गरीबों की लड़कियों पर ही अत्याचार नहीं किया, उसने अमीरों की बेटियों को भी मार डाला। कहा जाता है कि बाथरी पीड़ितों को मारने के बाद उनके खून से नहाती थी और अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए उसे पी लेती थी। बाथरी का मानना था कि यह उसकी जवानी को बनाए रखने में मदद करेगा। बाथरी काफी अमीर थी, ऐसे में कोई उस तक उसकी इच्छा के बिना नहीं पहुंच पाता था। उसने 1590 से 1610 के बीच कई हत्याएं की। आखिरकार काउंटेस ड्रैकुला को दिसंबर 1610 में उसके 4 सबसे भरोसेमंद नौकरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 80 लड़कियों की हत्या का आरोप लगा। हालांकि एक गवाह जिसने काउंटेस की डायरी देखने का दावा किया था, उसने कहा था कि यह संख्या वास्तव में 650 के आसपास थी। इसके बाद काउंटेस को जीवन भर नजरबंद रखने की सजा सुनाई गई थी और 1614 में 54 वर्ष की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि बाथरी के दफन के अवशेष अब तक नहीं मिले हैं, उसका ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। लोगों का अनुमान है कि उसे महल के मैदान के नीचे कहीं दफनाया गया है।